नमस्कार द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं धनु राशि वालों के लिए सितंबर 2021 कैसा रहेगा, यानी सेजिटेरियंस के लिए जो आने वाला महीना है सितंबर का वो क्या सारी एनर्जीज लेके आ रहा है। सो यहाँ मैंने कार्ड प्रीशफल कर लिए हैं ताकि शफलिंग का टाइम हम बचा लें और ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज और गाइडेंस मैं आपको दे सकूँ। यहाँ हर कार्ड का मैं एक क्लैरिफायर भी निकालूंगी तो हमें एक डीप रीडिंग मिल जाएगी और आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी मिल जाएगी सितंबर के महीने की। अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे कौन से मैसेजेस रेजोनेट हुए कौन से नहीं। जनरल रीडिंग है तो सभी मैसेज डेफिनेटली आपके लिए नहीं होंगे, तो जो मैसेज आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो प्लीज़ आप उन्हीं मैसेज उन्हीं गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले यहाँ एनर्जी ओरेकल डेक से देखते हैं कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज जो हैं वो सितंबर महीने की क्या रहेंगी धनु राशि। वी हैव फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, देन वी हैव द गार्डन एंड द गेट, एंड वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ऑलराइट, सो विद दिस थ्री कार्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ धनु राशि कि सबसे पहले तो कुछ स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ कमिटमेंट का प्रॉब्लम है। ठीक है, आप डर रहे हैं किसी चीज़ को करने के लिए क्योंकि यहाँ गार्डन एंड द गेट आया है। आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, किसी भी नई चीज़ को अटैम्प्ट करने में आपको ये डर है कि पता नहीं ये वर्कआउट होगा या नहीं होगा, पता नहीं सही है कि गलत है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हो रहा है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। जैसी आप सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि यहाँ काफ़ी बटरफ्लाइज हैं। ठीक है, आपका मन है कि आप गेट खोलें और बाहर जाएं, उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, उस चेंज में जाएं जो भी चेंज आपको यूनिवर्स दे रहा है, लेकिन आपको डर लग रहा है कि वो चेंज आपके लिए सही होगा या नहीं होगा। आप जहाँ हैं वहीं रहना चाहिए आपको, और उसकी वजह से आप अपनी अबंडेंस और स्टेबिलिटी को अभी तक मिस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। अगर आप इस गेट को ओपन करते हैं धनुराशि सितंबर के महीने में तो आपके पास ये स्टेबिलिटी और अबंडेंस आने वाली है सितंबर के महीने में। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हो सकता है आपको स्टेबिलिटी तो फील हो लेकिन ये अबंडेंस आप मिस कर देंगे, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी है, फिर गार्डन एंड द गेट है और फिर ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर के, सोच समझ के, चेंजेस पे फोकस करके, किस चेंज पे आप किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, किस चेंज को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं राजी खुशी, वो आप कीजिए। क्योंकि चेंज तो होंगे ही, वो तो यूनिवर्सल है। आप कैसे उसमें रिएक्ट करते हो उस पर डिपेंड करता है आपकी अबंडेंस। ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग उस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। आपके लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होगी डेफिनेटली, सो आप उस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, चाहे खुश होके करें चाहे नाराज होके करें। एंड एट द एंड यू गॉट दिस अबंडेंस, यू गॉट दिस प्रोस्पेरिटी और यू गॉट हैप्पीनेस। नाउ देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या सब कुछ हो सकता है सितंबर 2021 में। वी हैव फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स वाओ, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स वाओ। सो लव रीडिंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं आज जो मैंने जिन भी राशियों की है उसमें। सो लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में बेसिकली विशफुलमेंट, ठीक है, कोई विश फुलफिलमेंट, ओके, कोई ना कोई आपकी विश है जो पूरी हो रही है। आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप दुआ कर रहे हैं, मांग रहे हैं, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, वो कुछ भी आपकी पर्सनल लाइफ में कोई विश कंप्लीट हो रही है डायरेक्टली। पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या तो आप उनको एक कप ऑफर कर रहे हैं या वो आपको एक कप ऑफर कर रहे हैं इमोशंस का सितंबर के महीने में। ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हैं विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लान करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप कुछ हाइड है इस रिश्ते में, कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है ऐसा आप मानते हैं कि कुछ डिवाइन प्रोटेक्शन है, और उसी सब को सोच करके आप आगे बढ़ रहे हैं प्लान के साथ। विद दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से एक लॉन्ग डिस्टेंस पे हों या आप सेपरेशन में हों, एंड यू विल लाइक कि आप वेट कर रहे हैं कि शायद वो आपके पास आ जाए,
लेकिन वो आपके पास, या तो वो आपके पास आ जाएंगे क्योंकि यहाँ विश फुलफिलमेंट है, तो हो सकता है आप वेट कर रहे हैं उनका और वो आपके पास आ जाए, या हो सकता है कि आपकी एनर्जीज हैं कि आप उनका वेट कर रहे हैं लेकिन आपको लगता है इस रिश्ते पे काम करना चाहिए और आप उन्हें ये कप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। एंड विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जी हो। यू आर पैशनेट अबाउट एनीथिंग, आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के काफ़ी पैशनेट फील करने वाले हैं सेप्टेम्बर के महीने में। यू लाइक यस दिस इज द वन और मुझे ये चीज़ चाहिए, अब मैं उसके लिए क्या एक्शन लूँ। तो काफ़ी पॉजिटिव सेंस में आप रिलेशनशिप्स को देखने वाले हैं। नाउ हम क्लैरिफायर लेते हैं आपके कार्ड्स के लिए। व्हाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर, आपके पार्टनर सिंह राशि के हो सकते हैं बिकॉज यहाँ मुझे टू लाइन्स दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे फूल की एनर्जी के साथ, सो फूल इज अ न्यू बिगनिंग। सो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड हो गई हैं रिलेशनशिप में स्पेशली, तो अगर आपके कोई से पार्टनर से सेपरेशन हुआ है या रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नजरिया होगा कि यस दिस वन, तो दिस वन मुझे इस डायरेक्शन में बढ़ना है, ये पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में तो ये पर्सन चाहिए, और उसके लिए फिर आप किसी भी तरीके के रिस्क लेने को तैयार हैं। वाई थ्री ऑफ वॉन्ड्स हियर, ये एक न्यू पर्सन भी हो सकता है, ये पुराने पर्सन के साथ भी आपकी बातचीत न्यू बिगनिंग हो सकती है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है टेन ऑफ सोर्ड्स, सो ये भारी एनर्जी मुझे फील भी हो रही थी, हो सकता है कुछ हुआ है, हो सकता है यू आर इन पेन, हो सकता है सेपरेशन में है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे है, हो सकता है रिलेशनशिप में वो डीप एनर्जी मिसिंग है कहीं, ठीक है, और उसकी वजह से आपको कोई तकलीफ है शायद। आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का कि वो इसको हील कर दें लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, तो आप तैयार हैं, रेडी हैं कि कब आपको एक मौका मिले और आप कब इस चीज़ से हील हो, ठीक है। एक और क्लैरिफायर देती हूँ मैं, व्हाई टेन ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफायर टू ऑफ वॉन्ड्स, और डिटेल दीजिए हमें, थैंक यू। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सो यस यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है, कि आपके पार्टनर का ध्यान अपने फाइनेंस पे है, आपकी तरफ नहीं है, या कोई पेन किसी फाइनेंशियल मैटर को लेके, हो सकता है आप अपने वर्क प्लेस पे अपने पार्टनर से मिले हों तो कुछ इश्यूज हैं यहाँ पे, तो अब आप उन्हें रिजॉल्व करने की सोच रहे हैं। व्हाई पेज ऑफ कप्स हियर, प्लीज गाइड कीजिए, व्हाई पेज ऑफ कप्स हियर, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड मी, व्हाई पेज ऑफ कप्स हियर। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे बार बार, सो कुछ पुराने घाव हैं, कुछ आपके एक्स से आपको कोई घाव मिला है, या आपके जिस पर्सन को ऑफर दे रहे हैं उसने आपको हर्ट किया है, या बीच में आपकी लड़ाई हो गई थी, कुछ पुराना है यहाँ पे, इतने कार्ड नहीं लेंगे। व्हाई पेज ऑफ कप्स है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स, कुछ झगड़ा हुआ है, ठीक है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स इज कन्फ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट, सो आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ ईगो मैटर्स हुए होंगे, कुछ लड़ाई झगड़े हुए होंगे, नाउ फाइनली आप या वो इसको रिजॉल्व करेंगे सितंबर के महीने में विद इमोशंस। व्हाई नाइन ऑफ कप्स हियर, प्लीज गाइड कीजिए, व्हाई नाइन ऑफ कप्स हियर। ओके, सेवन ऑफ कप्स, सो जो कन्फ्यूजन थे ना आपके वो खत्म होंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट यही है कि अभी तक जिस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज थे, जिस पर्सन को लेके आप कंफ्यूज थे कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है या नहीं, ये पर्सन आपके लिए सही चॉइस है या नहीं, इसे मनाना है या नहीं, इसे मानना है या नहीं, इसे फॉरगिव करना है या नहीं, वो चीज़ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी कन्फ्यूजन इस महीने। व्हाई पेज ऑफ वॉन्ड्स हियर, वी हैव टू ऑफ पेंटिकल, सो कन्फ्यूजन को बैलेंस कर लेंगे आप, जगलिंग चल रही थी अभी माइंड में दो थॉट्स को लेकर के, लेकिन अब एक थॉट को पकड़ करके उस पर प्लान करना शुरू कर देंगे इस महीने, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। नाउ देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेज है धनुराशि, वी हैव दिस कुड बी द वन, सो यस आपके पार्टनर कोई स्पेशल पर्सन आपके लिए हो सकते हैं, एंड एक्सप्रेस योर लव, सो आपको उनके लिए कुछ एक्सप्रेस करनी चाहिए अपनी फीलिंग, अगर आप रखते हैं तो, ठीक है, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में कोई बुराई नहीं है यहाँ पे, और आपका जो कन्फ्यूज़न है वो शायद इसी डायरेक्शन में एंड होगा कि यस दिस कुड बी द वन। नाउ देखते हैं करियर बिजनेस फाइनेंस से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, वी हैव द मैजिशियन, स्ट्रेंथ, डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड एम्परर। ऑलराइट, सो
लियो, लियो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है धनु राशि, हो सकता है आप किसी लियो पर्सन को डील कर रहे हैं क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया एंड जब मैंने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देखा था तो भी मुझे टू लाइंस दिखे थे यहाँ पे, सो लियो जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। उसके अलावा डेथ है यहाँ पे, सो मुझे स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि दिख रहा है या मेष राशि दिख रहा है, ठीक है। और सोर्स है तो एयर साइन भी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, तुला, कुंभ और मिथुन राशि भी दिख रहा है। वैसे सारे साइन दिख रहे हैं बट जो मेजर मेरे को दिख रहा है वो वृश्चिक और सिंह है, सिंह तो स्पेसिफिकली दिख रहा है यहाँ पे। ऑल राइट, सो करियर बिजनेस फाइनेंस में, करियर बिजनेस फाइनेंस में डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशंस है कुछ, ठीक है। आप चाहते हो आपका बिजनेस करियर ऐसा हो, इतना पैसा मिल जाए, ये चीज वर्क कर जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, आप बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस टेक्निक यूज कर रहे हो शायद अपने करियर के अंदर, लेकिन बहुत वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, अपने इमोशंस, अपनी फिजिकल पावर, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सितंबर के महीने के अंदर। लेकिन जब आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आएंगे जहाँ आपके पास फाइनेंशियली अबंडेंस होगी। यहाँ पे भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं छोटे छोटे से, सो आपको कुछ फाइनेंशियल अबंडेंस सितंबर में डेफिनेटली मिलेगी, आपको आपके काम का फल डेफिनेटली मिलेगा। एम्परर, आपका ईगो बहुत ज़्यादा रहेगा सितंबर के महीने में, आप बहुत ईगोइस्टिक रह सकते हो, आप बहुत कंट्रोलिंग रह सकते हो विद दिस मैजिशियन एंड द एम्परर, दोनों की एनर्जी बड़ी कंट्रोलिंग होती है। ये मैनिफेस्टर होता है, ऐसा होना चाहिए, आना चाहिए, ये एकदम फादरहुड वाली एनर्जी में होता है, तो आप काफ़ी कंट्रोलिंग रहने वाले हो, स्पेशली अगर आप बॉस हो तो। अदरवाइज ये आपका बॉस हो सकता है जो कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर आप फैमिली बिजनेस में हो तो आपके फादर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। विद दिस डेथ कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में सितंबर में करियर के अंदर स्पेशली या फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आप देखेंगे कि चीज़ें एकदम बदल गई हैं, एकदम चेंज हो गई है। कुछ लोग पुरानी जॉब छोड़ के एकदम न्यू जॉब को चुनने वाले हैं, ठीक है, और कुछ लोगों का जॉब लॉस हो चुका है ऑलरेडी, खाली है वो, उनको नई जॉब के ऑफर मिल सकते हैं डेफिनेटली। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ दिख रहा है। क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को ताकि और थोड़ा सा हमें डिटेल में रीडिंग मिल सके। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट क्लैरिफायर फॉर धनु राशि। व्हाई दिस मैजिशियन हेयर, प्लीज गाइड कीजिए, व्हाई दिस मैजिशियन हेयर, वन और टू कार्ड्स स्पिरिट गाइड्स, व्हाई दिस मैजिशियन हेयर। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स, सो कुछ न्यू बिगनिंग्स, ठीक है, न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं, कुछ नया मैनिफेस्ट आप कर पाएंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे, न्यू एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। जो अभी तक आपने नहीं किया आपको वो करना पड़ सकता है अपने जॉब करियर बिजनेस फाइनेंस में। वाइस स्ट्रेंथ हेयर, वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आपको जरूर मिलेगी, लेकिन ये स्टेबिलिटी के लिए आपको बहुत फिजिकल एफर्ट लगाना पड़ सकता है या मेंटल एफर्ट लगाना पड़ सकता है। वाई डेथ हेयर, ओके, वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स, वाई डेथ हेयर, ओके, वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स, सो यस, मुझे लग रहा है आप में से काफी लोगों के लिए ना फाइनेंशियल गुड न्यूज आ रही है यहाँ पे। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे अगर आपकी लाइफ में, आप वेट कर रहे थे ये सॉल्व हो जाए, तो आपके ये सॉल्व हो जाएंगे विद दिस टेन ऑफ पेंटिकल, और ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि बिल्कुल फाइनेंशियल कुछ नहीं था और सडनली फाइनेंशियल कुछ गेन हो जाए, ठीक है। वन मोर क्लैरिफायर फॉर दैट, चलिए, एट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए यहाँ मुझे दो मैसेज मिल रहे हैं, एक तो ये कि फाइनेंशियल गेन हो जाए, जो कि मुझे 80% लोगों के साथ तो ये लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी आया था एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल है और फिर डेथ है, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आज की स्टेट है ना उससे अपोजिट हो सकता है, ये मानिए आप। ऑल राइट, व्हाइट क्वीन ऑफ पेंटिकल है, वैसे पॉजिटिव सेंस में मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ अबंडेंस है और स्टेबिलिटी का कार्ड है फर्स्ट चक्र। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ, फोर ऑफ पेंटिकल, ठीक है, सो सेविंग्स आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी, फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ा सा समझदारी दिखानी पड़ेगी, सोच समझ के खर्चा करना पड़ेगा, वो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आप ऐसा करेंगे। व्हाई एम्परर है, कुछ लोगों को
खानदानी पैसा मिल सकता है। एट ऑफ पेंटिकल हार्डवर्क, हार्डवर्क तो डेफिनेटली आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आपके बॉस आपसे मेहनत करा सकते हैं, आपके फादर आपसे मेहनत करा सकते हैं, या आप एज ए बॉस लोग अपनी टीम से बहुत मेहनत करा सकते हैं। बड़ी कंट्रोलिंग एनर्जी है, पैसा कमाना ये दिमाग में चलता रहेगा इस महीने। ऑल राइट, नाउ देखते हैं हम धनुराशि आपके लिए एडवाइस कार्ड्स क्या आते हैं इस महीने के। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर धनुराशि एडवाइस सितंबर 2021। ऑल राइट, फर्स्ट एडवाइस आपके लिए आ रही है, ऑलवेज मेंटेन योर सेंस ऑफ वंडर। सो आपके अंदर जो एक जॉलीपन है या बचपना है या एक सेंस ऑफ वंडर है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, उससे बना के रखिएगा सितंबर के महीने में, ये गाइडेंस है। सेकंड है लिव पर्पसफुली। सो कोई गोल कुछ तय कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, पर्पस निकालिए अपनी लाइफ का। शायद अभी तक आप में से काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, सो वो ज़रूरी है आपके लिए। एंड लास्ट वन इज़ हैव फन एंड बी प्लेफुल। सो यस, जॉयफुल रहिए, वो सेम एनर्जी है, होपफुल रहिए, जॉयफुल रहिए, प्लेफुल रहिए। नाउ देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स इस महीने की क्या आती है। अरे वाह, आपके लिए तो ब्लेसिंग अपने आप आ गई। लेट्स चेक क्या आई है, धनु राशि को इस महीने क्या मिलने वाला है। लाइफ पार्टनर, ऑल राइट। सो यस, आपकी विश कम ट्रू हो रही है यहाँ पे, तो आप में से काफ़ी लोगों को एक नया पार्टनर मिल सकता है, या हो सकता है सेपरेशन में है तो अपने पुराने पार्टनर आपको वापस मिल जाए। एंड न्यूनेस ऑफ लाइफ, और आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, चाहे वो आपकी वर्क लाइफ में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो। तो आपकी जो ओल्ड कवर था ना, शील्ड था लाइफ का, जो भी पैटर्न्स थे लाइफ के, आप उनसे निकलेंगे और एक न्यूनेस में आएंगे, एक न्यू वाइब्स के अंदर आएंगे लाइफ के अंदर। दोनों ही बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। हो सकता है ये पार्टनर आपको कुछ नयापन दे दे आपकी बोरिंग लाइफ में। सो वेरी पॉजिटिव रीडिंग धनुराशि, आई होप ये आपसे रीडिंग रेजोनेट करे, एंड रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, बाय बाय।